नमस्कार, हमारी पाकशाला में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ घर पर तैयार किए हुए बैटर से इडली। बैटर घर पर तैयार करने के लिए रेसिपी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। तो चलिए इडली बनाना शुरू करते हैं। इडली बनाने के लिए मैं एक प्रेशर कुकर ले रही हूँ जिसमें इडली स्टैंड आराम से आ जाए। प्रेशर कुकर में पानी डाल देते हैं। पानी उतना ही डालें जितना कि इडली स्टैंड रखें तो पानी उसके नीचे ही रहे, वरना इडली के सांचे में नीचे की प्लेट में पानी भर जाएगा और बैटर खराब हो जाएगा। प्रेशर कुकर में पानी बॉईल होने के लिए रख देते हैं। पानी गर्म हो रहा है तब तक हम सांचे में बैटर भर लेते हैं। मैंने इडली बनाने के लिए बैटर लिया है और इसमें अपने टेस्ट के अनुसार नमक मिला लिया है। हमें इसी तरह का बैटर चाहिए जो न ज़्यादा गाढ़ा हो और न एकदम पतला। बैटर में डालने के लिए मैंने नारियल लिया है, इन्हें छोटे छोटे पीसेज में काट लिया है, और कड़ी पत्ते लिए हैं, इन्हें भी मैंने छोटे छोटे पीसेज में काट लिया है, और इनको डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। इडली बनाने का सांचा लिया है, इन्हें घी या ऑयल से अच्छी तरह ग्रीस कर लें ताकि इडली आसानी से निकल जाए। इस तरह सभी प्लेट्स को ग्रीस कर लें। एक एक चम्मच बैटर सांचे में डाल देते हैं। सभी प्लेट में इसी तरह से बैटर डाल लेते हैं। ऊपर से पैक कर देते हैं और इसे आराम से कुकर में रख देते हैं। ढक्कन से सीटी हटा दें, हमें प्रेशर नहीं चाहिए। ढक्कन लगा देते हैं। हमें इडली को स्टीम करना है। प्रेशर कुकर से जब स्टीम बाहर निकलने लगे उसके बाद से 8 से 10 मिनट तक तेज आंच पर प्रेशर कुकर को छोड़ दें। 10 मिनट हो गए हैं, मैं गैस ऑफ कर देती हूँ। थोड़ा ठंडा होने पर इडली के सांचे को बाहर निकाल लें। इडली को चेक कर लेते हैं। एक टूथपिक लें और इडली में डालें। यदि बैटर चिपके इसका मतलब अभी इडली कच्ची है। इस टूथपिक पर कुछ भी नहीं चिपका है, हमारी इडली बनकर तैयार है। इडली जब थोड़ी ठंडी हो जाए तो इन्हें निकाल कर बाउल में डाल लें। यदि आपके पास इडली मेकर हो तो आप उसमें इडली बना सकते हैं। इडली आराम से निकल रही है, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकी है। हमारी इडली सॉफ्ट और स्पंजी बनी है, ये सर्व करने के लिए तैयार है। इडली सांभर और नारियल चटनी के साथ बहुत टेस्टी लगती है। इस तरह से घर पर बैटर तैयार कर आप भी ढेर सारी इडली बनाएं, खाएं, और यदि मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।